नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे आज सुबह एनकाउंटर में मारा गया। पिछले 7 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देता रहा, आखिरकार उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर के परिसर से गिरफ्तार कर लिया और आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसको ढेर कर दिया। मगर मारे जाने से पहले गैंगस्टर विकास दुबे ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। जी हाँ, विकास दुबे ने उज्जैन में अपना बड़ा गुनाह कबूल करते हुए पूछताछ में यह स्वीकारा है कि वो शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा से नफरत करता था। देवेंद्र मिश्रा की हर गतिविधि के बारे में पुलिस के लोग ही उसे सूचना देते थे। यहां तक कि विकास दुबे के बारे में सीओ देवेंद्र मिश्रा कोई व्यक्तिगत कमेंट भी करते थे तो उसकी भी जानकारी विकास को ही जाती थी। विकास ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने कानपुर कांड को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने पूछताछ के दौरान यह भी कबूला है कि उसने सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या नहीं की थी, उसके लोगों ने देवेंद्र मिश्रा को मारा था। उसने बताया कि सीओ देवेंद्र मिश्रा अक्सर मेरे पैर पर कमेंट करते थे, मेरा एक पैर खराब है इसीलिए सीओ कहते थे कि मैं उसका दूसरा पैर भी ठीक कर दूंगा। मेरे पैर पर कमेंट को लेकर मेरे साथी भी उनसे चिढ़े हुए थे, इसीलिए उन लोगों ने उनके पैर पर वार करने के बाद उनकी सिर में गोली मार दी थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विकास दुबे का सीओ देवेंद्र मिश्रा से कई बार विवाद हुआ था। विवाद के दौरान कहासुनी भी हुई थी। विकास दुबे ने बताया कि आसपास के थानों में तैनात पुलिस कर्मियों ने मुझे जानकारी दी थी कि सीओ देवेंद्र मिश्रा मेरे खिलाफ हैं। ये सारी चीजें जानकर सीओ देवेंद्र मिश्रा के खिलाफ मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसने पुलिस के सामने कबूला है कि उसने सीओ को नहीं मारा, उसके साथियों ने अहाते से मामा के आंगन में जाकर सीओ पर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक विकास ने पूछताछ के दौरान यह भी कबूला था कि मुझे पहले ही पुलिस की छापेमारी के बारे में खबर मिल गई थी। मुझे जो खबर थी उसके अनुसार पुलिस भोर में पहुंचने वाली थी, लेकिन पुलिस छापेमारी के लिए रात को ही पहुंच गई। एनकाउंटर में पुलिस के जवान मारे गए, पुलिस कर्मियों के शव को हम लोग जलाने वाले थे, शवों को इकट्ठा भी कर लिया था, लेकिन रात को और पुलिस आने लगी तो हम लोग भाग निकले। तो विकास दुबे से एक बैग बरामद किया है। इस बैग में कुछ कपड़े, मोबाइल फोन और उसका चार्जर समेत कुछ कागजात भी मिले हैं। इसी मोबाइल फोन से विकास लगातार लोगों से संपर्क करता था और बात करने के बाद उसे स्विच ऑफ भी कर लेता था। इसी फोन से उसने वकीलों और अपने संपर्कों से बात की थी। इसके साथ ही विकास दुबे के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी मिला था। जिस तरह से विकास दुबे ने बड़े ही शातिर तरीके से लोकेशन बदली थी, इससे शक होता है कि उसकी लुका छुपी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे। चौबेपुर कांड में पुलिस की मिलीभगत के सबूत पहले ही मिल चुके हैं। इलाके के थानेदार विनय तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तिवारी के अलावा दरोगा के शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। खैर, अब देखना यह होगा कि विकास दुबे से जुड़े और क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।